सृष्टि एट्थ बताओगे आप? 259 मीटर स्क्वायर। 259 मीटर स्क्वायर यही आ रहा है, 259 मीटर स्क्वायर। ओके सर, उसके अंदर एक और चीज पूछी है। क्या पूछा एक और सर, उसके अंदर एक तो ग्रेस्ट पूछा और एक अनग्रेस्ट पूछा। ग्रेस्ट का 77 आएगा। 77 मीटर स्क्वायर ग्रेस्ड। ओके देखो बहुत अच्छे से ऐसे आंसर की पूरी बना लो नीचे आप, ठीक है ना, तो हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर से तो वो नीचे छप जाएगी आपकी। सर नाइन्थ में को डाउट है। नाइन्थ वन में डाउट है? हाँ सर नाइन्थ डाउट। ओके नाइन्थ जो डाउट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाइन्थ में लिखा, इट इज प्रपोज टू ऐड अ स्क्वायर लॉन विद ईच साइड 52 सर्कुलर एंड्स, द सेंटर ऑफ ईच सर्कल बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द होल होल लॉन। अच्छा तो लॉन बनेगा कैसे, पहले तो इसको देख लेते हैं हम। इसने क्या बोल दिया आपको, आपके पास ऐड क्या, ये सेंटर है आपका, ये सर्कल का सेंटर है हमारे लिए सर। पर एक मिनट, फिर अगर सिर्फ एंड्स को सर्कुलर करके तो ये मतलब एकदम सर्कल कैसे बनेगा? सर्कुलर का मतलब थोड़ी है सर्कल पूरा, सर्कुलर मतलब सर्कल का पार्ट, ठीक है। सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि सर्कल बना दिया लास्ट में, सर्कल बनाओगे तो फिर स्क्वायर के साथ एंड जॉइन कैसे होगा वो, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो सर्कल के पार्ट है, सर्कुलर का मतलब है पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। ओके ओके और अब डेफिनेटली 90 डिग्री बनेगा बीच में, ओके यस। ठीक है तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, तभी एक सर्कल बन पाएगा जो दोनों को ज्वाइन करे। ओके तो रेडियस आई थिंक आप निकाल लोगे 50-50, तो 50√2 आपके पास पूरा डायगोनल आ जाएगा, तो उसका आधा 25√2 रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, इजी क्लियर। ठीक है 25√2 आपके पास रेडियस हो जाएगा, इज इट क्लियर? यस सर। ओके सर ये सम फिर से एक बार, क्या क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया डायगोनल का आधा, और उससे हमने यहाँ पे एक सर्कुलर एंड बना दिया, और यहाँ से भी एक सर्कुलर एंड बना दिया। अब एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेगमेंट हो जाएगा सर्कल का, है ना, ये भी सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज क्लियर है आपको, क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। चलिए आगे चलेंगे, इसको निकाल लो, कितना आ रहा है आपके पास सर? 3212.5 स्क्वायर प्लस टू सेगमेंट्स है ना, सो यू आर गेटिंग 3212.5 हमको करना है तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 2500 प्लस पाई, रेडियस निकाल लिया 25√2/2 माइनस टू ट्राइंगल्स हाफ। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, बेस भी आर है,
ये भी आ रहे हैं, तो 25 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा 2500 प्लस पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू 25 रूट 2 का होल स्क्वायर, देख लो आप, ठीक है ना, इज इट क्लियर? जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 625 इंटू 2, तो एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू 625 बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2500 प्लस पाई माइनस 2 इंटू 625, तो ये 1.14 इंटू 625 आ जाएगा आपके पास, तो ये 712.5 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऐड कर लोगे आपके पास तो 3212 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये 3212.5। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, आंसर की मैं ऐड कर लें आप 3212.5, जो यूनिट है आपके पास 9th में मीटर स्क्वायर, 10th कर लो, 10th में क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, 12th हो गया ना आपसे, 12th का आंसर कौन बताएगा सर, 12th का क्या 10th का 24.7 10th का, सॉरी 10 हम लोग 10 कर रहे हैं बेटा, 10 24.6 सेंटीमीटर 24.69 ओके, अभी 11th का आंसर मुझे बताएंगे कौन, पता है मुझे बताएंगे अक्षत, अक्षत क्या रहा है, अक्षत भट्ट, अक्षत 11th का आंसर क्या लिखा बेटा आपने बताओ, ये खिलाड़ी है देखो कहाँ गए अक्षत, अलग ही लेवल है इनका, अक्षत शाह से पूछ लेते, चलो अक्षत, अक्षत बता देगा, अक्षत शाह बताओ कितना रहा अक्षत, 19 आ रहा है, ओके वेरी गुड, चलो सब कंफर्म करते रहना, 20th का आंसर हम लोग ले लेते हैं शुभ से, ओके चलेगा 18.99 भी चलेगा, ठीक है ना, अरे सर इतना कुछ है ही नहीं सर, पाई और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 19 आएगा, हाँ सर डायरेक्ट 19 ही आ रहा है, तो यशवी ने क्या किया होगा, पाई काटा नहीं होगा, वैल्यू निकाल के फिर डिवाइड किया होगा, हाँ सर है ना, ठीक है कोई बात नहीं कट जाएगा वो, ओके नेक्स्ट, अक्षत शाह आ चुके हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, बताइयो बताओ 12 जल्दी जल्दी चलो, अक्षत भट्ट, अक्षत शाह रुक जाओ अभी तुम, अक्षत भट्ट से हम पूछ रहे हैं, अक्षत भट्ट बताओ 12th का आंसर, अरे ये तो बहुत अच्छा पता चल जाता है काम किसने कंप्लीट किया है, टेंशन ही नहीं, हर एक्सरसाइज में एक दो के आंसर देने ही नहीं चाहिए, आइडिया आ जाएगा, अक्षत ने लगता है काम नहीं किया, अक्षत भट्ट गया, नेक्स्ट चलो आ जाओ, कुतुबुद्दीन से पूछते हैं, कुतुब खान ने भेज दिया हमारे पास आंसर, चलो कुतुब खान वेरी गुड, कुतुबुद्दीन क्या रहे आंसर, कुतुबुद्दीन है हमारे साथ कि नहीं, आज नहीं है, चलो आर्ची से पूछते हैं, आर्ची क्या आ रहा है 12th का आंसर आपका, आर्ची आर्ची नहीं, मंसूर से पूछते हैं, मंसूर 12th का आंसर क्या रहा है, आज तो मैसेज ड्राफ्ट करना ही पड़ेगा लगता है बड़े वाला, कोई बात नहीं चलो ठीक है, शुभ से पूछते हैं, शुभ ने भेज दिया, शुभ क्या रहा है आंसर 12th का, 1925 रुपीस, चेक कर लो एक बार 12th का 1925 रुपीस आ रहे हैं, 13th का भी पूछ लेते हैं, 13th का तुषा से पूछते हैं, तुषा तुषा 13th का कितना आ रहा है, नहीं पता, राहिल से पूछे, राहिल 13th का कितना आ रहा है, फटाफट चलो सर 37,051.2 377,051.2 सर मेरा थोड़ा अलग आ रहा है सर, 13th का अलग आ रहा है, देख सर मेरा आ रहा है,
सर मेरा आ रहा है 377,394.2 रुपीस ऐसा कुछ। सर मेरा भी ये राहिल वाला ही आंसर आ रहा है से। ओके राहिल एक काम कर लो, देखो इसका भी एक अच्छा सलूशन है। राहिल तुम्हारा जो आंसर है ना उसको ग्रुप में डाल दो फटाफट फोटो खींच के। हाँ सर डालता। चलो नेक्स्ट आगम एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो ठीक है ना। तुम्हारा भी 377 आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ही गड़बड़ है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट 14th से कौन बताएगा? हृदय से पूछ रहे थे 14th क्या आ रहा है बेटा बताओ। तो मेरा 112 आ रहा है आंसर की में मैच नहीं हो रहा। सर 112 आ रहा है मेरा भी सर। हां तो 112 होगा ठीक है लॉक कर दिया जाए। 112 लॉक करें। 112 नेक्स्ट 15th नवदा से पूछेंगे। नवदा 15 का अच्छा बाकी आंसर दिए हुए हैं। हाँ, इसके बाद तो दिए हुए हैं सर, उसके बाद कुछ नहीं। चलो ठीक है तो अभी डाउट्स देख लेते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 सर मैंने भेज दिया ग्रुप में। वेरी गुड बेटा देख लो आगे एक बार उसको भी देख लेना। 22 देखो द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर मेटालिक प्लेट इज 86.4। सेमी सर्कुलर प्लेट का जो पेरीमीटर है वो 86.4 है। तो बेटा सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर निकलता कैसे? ये होगा पाई आर के बराबर और ये होगा 2r के बराबर ठीक है ना। सो पाई आर प्लस 2r ये हो जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स r। ओके और ये कितना दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कितना दिया है? 25 दिया है ना। 86.4 सर 86.4 दिया हुआ है। अच्छा मैं कौन सा देख रहा हूँ? मैं 21 देख रहा हूँ। 86.4 दिया है भाई। 86.4 दिया आपको। 22/7 आप ले ले। अच्छा 3.14 बोला क्या लेने के लिए? नहीं बोला कुछ। 2/7 ही बोला। 22/7 प्लस 2 इनटू आर 86.4। आर कितना हो जाएगा आपके पास? 86.4 इनटू 7 अपॉन 36 सही है? हाँ। तो ये तो टेबल एग्जैक्टली जा रही है 36 की 86.4 से एग्जैक्ट जाएगी। 2.4 14 16.8 आ जाएगा ठीक है ना। आंसर की में वो 168 की जगह 16.8 हो गया, मतलब 16.8 की जगह 168 हो गया। ओके नेक्स्ट देख लो फटाफट 23 24। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा सर इधर तक तो आया मेरा, उसके बाद नहीं आ रहा है। 20 रेडियस आ गया ना, एरिया निकालना है अभी। हां सर सर हाफ होगा ना, हाफ एरिया मतलब सेमी सर्कल का एरिया। हां तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 है ना? Yes sir. 2.4 into 7 into 2.4 into 7, 7 से 7 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 576 कर लो, 5.76 into 7 into 11, बस divide by 100, okay आपके पास सर हो गया, बराबर है सर, सर वो 19 का आंसर नहीं आ रहा, किसका? 19 का सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। 19 का नहीं आ रहा है? 19 का आ रहा है आंसर। ओके एक बार हृदय ग्रुप में डाल दो 19th वाला ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 सर वो 13th वाला जो डिस्कस किया ना वो 377,000 वाला। हां हां सर उसमें मतलब इन लोगों ने नीचे दिखा हुआ है कि पाई को 22/7 लो, तो मैंने उससे किया तो मेरा ये आ रहा है और उसने राहिल ने 3.14 लेके किया तो उसका वैसा आ रहा है। ठीक है तो भाई भाई जो दिया हुआ है उसको पाई आप ले लें ठीक है ना, तो वो एग्जामिनर भी देखेगा। 22/7 से भी आ रहा है, मैंने तो वही लिया है। अच्छा तो यशवी आप भी डाल दो आंसर ग्रुप में ठीक है ना। तो एक बार आगम उसको चेक कर लो, यशवी ने किया है उसका आंसर आ गया बिल्कुल ठीक है। ओके यस 22 हो गया, 23 24 19 बोल रहा था कोई, 19 हृदय सर आपने फिर हां हां मैं डाल रहा हूं सर। ओके आराम से डालो कोई बात नहीं। 23 24 25 सर 26 वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर, मतलब फाइंड क्या करना है वो नहीं दिया हुआ। अच्छा तो क्या निकालोगे? क्या दिया है आंसर में? क्या दिया है? सब कुछ ही दिया है, मीटर मीटर हां सर 3 आंसर दिए हुए हैं। 3 दिए हुए हैं सर, छोड़ दो वैसे ही बहुत क्वेश्चन है, जाने दो उसको। नेक्स्ट सर 24 यशवी 24 में लिखा है अ कॉपर वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर व्हिच एनक्लोजेस दिस एरिया। If the same wire is bent to form a circle, what will be the area enclosed by it? So if you have a circle, जिसको आपने bent करके square में बनाया है,
और स्क्वायर का अगर आपको एरिया मालूम है, एरिया कितना है 272.25 है, तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या 272.25? हाँ, इसका ये आ जाएगा आपके पास 172, 16, 256, 17, 289, 165 होगा। हाँ सर 16.5 मतलब है ना। हाँ बिल्कुल 16.5, ठीक है, तो 16.5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16.5 साइड हो गई आपके पास, तो 33 × 2, 66 सेंटीमीटर आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका, यस, जो कि सर्कमफेरेंस बनने में काम आएगा। तो 66 जब सर्कमफेरेंस बनेगा तो 2πr आपका 66 होगा, तो ये 2 × 22/7 × r = 66। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि r का वैल्यू आ जाएगा 21/2। एरिया निकाल लोगे अब आप, कर लोगे ना आप? हाँ सर वो कैलकुलेशन। अरे कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है आई थिंक सो 24। नेक्स्ट 25, 6, 7, 8, 9। यस नवदा, कोई डाउट है बेटा? नवदा क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 180। ओके सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, एक्सीड्स इट्स डायमीटर 2r इज इक्वल टू, बस इक्वेशन एक आपके पास आ गई खत्म, इसमें से r निकाल लोगे आप? बस वो इक्वेशन नहीं बन रहे थे, इक्वेशन नहीं बन रहे थे अभी, ठीक है? हाँ सर। इसमें से 2r आप कॉमन निकाल लेंगे, पाई माइनस तक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट डीपीपी आ जाए, 32 तक ही है, हो गया आपसे सारा? यस आंसर की भी करेक्शन कर लिया। अब डीपीपी 2 में आ जाओ बेटा, डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो रहा है। सर उसमें भी आंसर्स नहीं दिए हुए डीपीपी 2 में, बहुत ही अच्छी बात है, डिस्कस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो मैं तो खुश हो गया हूँ, डीपीपी के आंसर नहीं है तो इस बार में तो पता चल गया मुझे कौन कौन काम नहीं कर गया। उसकी हवा निकल जाएगी, मतलब उसने काम नहीं किया। चलो डीपीपी 2 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कौन बच गया, बताए? गर्व बच गया अभी तक, गर्व। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है गर्व, बताओ? गया, जल्दी जल्दी बताए फटाफट, कौन डिस्कनेक्ट हुआ पता नहीं चला मुझे। अब्बास से पूछते हैं, अब्बास बताओ, चलो क्या रहा आंसर अब्बास? जी सर 2 मिनट चेक कर लो। नहीं किया सर, नहीं किया। अरे सर किया है, पेज पलट रहा हूँ 2 मिनट। नहीं किया। अरे सर ये 5500 / 7 आगम एग्जैक्टली क्या बन रहा है, कितना आ रहा है आंसर? सर 261.90 ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है। चेक कर लो 261.66 आ रहा है। कोई बात नहीं, अब डिवीजन थोड़ा बहुत ठीक से कर लेना। अभी भाई आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है कर लेना 5500/7। यहां तक तो ठीक है ना अब्बास का ये? अरे सर नहीं 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 ये सही है, नहीं रॉन्ग है सर। हां सर नहीं सही है सर, मेरा मतलब हवाबाजी सर। 1570/6 आएगा सर, मेरा तो 11,000/42 आया, मेरा 11,000/42 आया, तो फिर मैंने 261.90 ऐसा आ गया। ओके 11,000/21 आया, क्यों ऐसा हो रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर बोला है जिसका रेडियस 10 है, एंगल 60 है, तो 60/360 × 22/7। अरे सर ये यशवी का सही है सर, मेरा भी यही आ रहा है, सही है ना? हाँ सर ये माइनर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर का निकालना है तो फिर बड़ा वाला लेना पड़ेगा। ये मेजर सेक्टर का ही है सर, 1570/6। ओके ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले तो माइनर सेक्टर लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लो पेपर, फिर 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा,
तो ये आपके पास आ जाएगा 1100/3 है ना 21 यही आएगा क्या? वो नीचे में डिनोमिनेटर में 7 × 3 करना भूल गया तो 3 खाते में हो गया था तो ये सही है 261 वाला सही है ठीक है चलो अब फिफ्थ देख लेते हैं आ जाओ अभी फिफ्थ वाला कौन बताएगा फिफ्थ वाला आर्ची से पूछते हैं आर्ची फिफ्थ किया आपने कोई रिस्पांस नहीं है चलो कोई बात नहीं अब कुतुब खान से पूछते हैं कुतुब खान फिफ्थ वन हेलो सर यस बेटा फिफ्थ नहीं हुआ है फिफ्थ नहीं हुआ है एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर बोल रहा है सेंटर विद रेडियस 14 लेंथ ऑफ आर्क 13.2 दिया था एंगल निकाल सकते हो आप एंगल निकालना भी नहीं पड़ेगा एक्चुअली फॉर्मूला में रिप्लेस हो जाएगा आर्क का लेंथ क्या होता है थीटा बाई 360 × 2πr जो कि आपको दिया हुआ है 13.2 सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 × πr² यस तो थीटा बाई 360 × अगर 2 से एक मल्टीप्लाई मैं कर दूं और एक डिवाइड कर दूं तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 × 2πr एक आर को बाहर निकाल दिया तो हाफ आर एल हो जाएगा वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क 1/2 आर कितना होगा आपके पास 14 13.2 सही है ना तो 7 × 13.2 आ जाएगा इज इट क्लियर भाई सही किया कि नहीं किया मैंने थोड़ी रोशनी डालें आप लोग यस सर सही किया सर 70 और 21 आ जाएगा 91 और 1.4 92.4 आ जाएगा सही है ना यस सर तो मैथ्स तो स्ट्रांग है मेरा चलिए आगे नेक्स्ट सिक्स्थ का आंसर पूछेंगे अभी सिक्स्थ का शुभ से पूछेंगे सिक्स्थ का क्या रहा है शुभ बताओ फटाफट 44 चेक कर लो सब सर मेरा तो अलग आ रहा है सर मेरा कुछ ज्यादा ही अलग आ रहा है सर मेरा 271.05 आ रहा है मेरा 271.2675 आ रहा है सर मेरा 271 वाला ठीक है भाई 271 के आसपास अगर आप खेल रहे हैं तो सही खेल रहे हैं ठीक है ना बिल्कुल तो भाई 40 तो शुभ का कैसे गलत आ गया शुभ गलत कैसे हो गया सर थीटा बाय 360 × 2πr आर्क लेंथ पूछा रेडियस इज 21 एंड एंगल इज 120 एरिया ऑफ सेगमेंट बोल रहा है सेगमेंट मतलब सेक्टर माइनस ट्रायंगल तो सेक्टर का एरिया कितना रहा है बच्चों को बताओ सेक्टर का कौन बताएगा सेक्टर कितना रहा है सर मैं तो डायरेक्ट वो फार्मूला लिखी है आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा वाली अच्छा चलो भाई ठीक है वैसा कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख दें आप सॉरी सेगमेंट का फॉर्मूला लिख दें सेक्टर माइनस ट्रायंगल सेक्टर कितना दिया हुआ है आपके पास 120 है तो 120/360 × πr² माइनस हाफ 2r साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा तो r साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास ठीक है ना तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस आर सर आर स्क्वायर आएगा ना हाँ यस बेटा बिल्कुल आर स्क्वायर आएगा नेक्स्ट आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 60 कॉस 60 तो आर स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस साइन 60 कितना आ जाएगा 3/2 × 1/2 सही है ना यस हाँ सर सही है अब कर लोगे आई थिंक सो इसके बाद ना आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 21 दिया हुआ है 21 × 21 3.14 या 22/7 लेना है कुछ भी ले लो आप कोई बात नहीं है तो ये आ जाएगा 22/21 माइनस रूट ऑफ 3/4 एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 88 माइनस 21 रूट ऑफ 3 अपॉन 4 × 21 और 21 × 21 इधर
यस मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके सर. यस बेटा. सृष्टि कनेक्ट नहीं हो पाएगी सर, बिकॉज़ सर नेटवर्क इशू है. ओके ठीक है. हाँ कोई बात नहीं. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. यहाँ पे हम लोग थे तो आई थिंक कैलकुलेशन इसके बाद कर लोगे. 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 88 माइनस 21 रूट ऑफ 3 इंटू 21 बाई 4. रूट 3 का वैल्यू आप 1.7 ले सकते हो. ज़्यादा एक्यूरेट के लिए 1.73 ले लेंगे. ठीक है. अगर एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया है तो वो लेंगे, अगर मेंशन नहीं किया तो 1.73 तक काफ़ी रहता है, मोर देन इनफ. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. 7 का आंसर कौन बताएगा? 7th का यशवी से पूछते हैं. यशवी 7th क्या रहा है? सर 7th का मेरा आ रहा है 230. बाकी भी एक बार सब बच्चे कंफर्म कर लो. मेरा 11.5 आ रहा है. यस 230 आ रहा है सर. यस सर 230 आ रहा है. सर मेरा नहीं आ रहा. यशवी पर ग्रुप में डाल दो. सर मेरा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. वो एरिया आ रहा है. कॉस्ट बोला उसने निकालने के लिए. कॉस्ट वो 11.5 इनटू 20 करना पड़ेगा. हां हां सर वो मैंने वो कॉस्ट नहीं निकाला. ओके हृदय का क्या हुआ? हृदय नहीं आ रहा तुम्हारा 11.5? नहीं सर मेरा तो एरिया ही नहीं आ रहा. एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं. रुको क्या लिखा उसने? मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर. ओके इट्स बेस पीसी पीबीसीआर इज अ सिल्वर प्लेटेड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द रेट एट द रेट दिस फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. तो आप क्या कर लोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? 7th वाले क्वेश्चन को सर्कल प्लस ट्रायंगल माइनस क्वाड्रेंट 90 डिग्री है. ठीक है ना. इससे आ जाएगा आपका. कर लोगे आप? ऐसे किया आपने सो डायरेक्ट ट्रायंगल माइनस क्वाड्रेंट नहीं कर सकते? ट्रायंगल माइनस क्वाड्रेंट प्लस सर्कल कर दो. ठीक है ना. ओके सर. नेक्स्ट 8th 9th ओके 10th. अच्छा आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं ना. 8th का नवद क्या रहा है? 8th का आंसर मैंने 8th और 9th नहीं करे. ओके नहीं किए. 8th वन देखो बेटा. 8th वन में मैं सारे बताता जाता हूँ, फटाफट देख लो आंसर्स को भी कंफर्म करते चलेंगे. 8th वन में क्या दिया है? 3 आपको सर्कल के पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें मुझे जहां तक दिख रहा है फर्स्ट वन जो है वो सेमी सर्कल है, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट्स है ना, तो ये भी क्वाड्रेंट है, ये एक सेमी सर्कल है आपके पास. ठीक है. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूंगा. अच्छा ये दोनों क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट, ये मिला के भी सेमी सर्कल दे देगा ना फिर. यस कर सकते हैं. स्क्वायर माइनस टू सेमी सर्कल मतलब स्क्वायर माइनस सर्कल कर सकते हैं क्या सीधा सीधा? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट 9th वन भी नहीं किया. 9th भी देखो आप बेटा. 9th में क्या लिखा है? डायमीटर के ऊपर ट्राइंगल बनाया हुआ है. तो एक काम कर लो ना, डायमीटर में से ट्राइंगल अगर घटा दोगे तो ये शेडेड वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल. नेक्स्ट अब दूसरा 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा. ये कैसे निकालोगे? सेगमेंट का एरिया निकाल लोगे ना आप. ये एरिया सेगमेंट का है. यस यस सर. इजी. क्यों छोड़ दिया आपने सर? ये दो मैंने मतलब सर 9th का आंसर फर्स्ट वन का 4.52 आया है. चेक कर लो बेटा, वेरीफाई कर लो सब. 4.52 आया है सर. 32/7 आया है. 32/7 17.12 आ रहा है. 17.14 70.12. ठीक है रिजल्ट डाल दो ग्रुप में, एक बार चेक कर लो बेटा 17.14. ठीक है चार वाले आंसर बोलो और डाल दो 17.14. दूसरा 4.56 आ रहा है. ओके थर्ड का आंसर क्या रहा है? 91 रुपीस. 91 रुपीस सबका यही आ रहा है.
नो सर सर मेरा दूसरे का सेकंड वाले का 2.28 आ रहा है। हाँ सर सेकंड वाले का 2.28 आ रहा है मेरा सर। फर्स्ट वाला भी आ गया है। फर्स्ट वाला भी हाँ सेकंड का आ रहा है 2.28। हाँ यस सर। और थर्ड वाले का सर फाइनल आंसर मेरा रहा 28.8 रुपीस। यस सर। और सर फर्स्ट वाले का आ रहा है 4.57। मतलब मैं ही कर लूं क्या? चलो मैं ही कर लेता हूं। आ जाओ नाइन्थ वन देखो। नाइन्थ वन में क्या दिया है? सर्कल विद सेंटर दिस इज देयर। एक सेकंड थोड़े डायमेंशंस में देख लूं एक बार। अच्छा तो 4-4 दिया हुआ है। 4-4 है डायमेंशंस में। ये 4 है 90 डिग्रीज, ये 4 है। ओके अच्छा ये 4-4 दिया है तो आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका जो डायमीटर है 4√2 हो जाएगा। तो ये 2√2 आ जाएगा आपके पास रेडियस। ठीक है ना? रेडियस आ जाएगा 2√2। तो yes. मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन ने क्या बोला है निकालने के लिए? सम ऑफ द एरियाज। तो ये एरिया कितना होगा पहले तो? सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? हाफ 16। सही है? तो 2√2 भी 8 हो जाएगा है ना? तो हाफ 8 तो ये आ जाएगा 4π माइनस 8। एग्री? ओके yes, तो 4. समथिंग जो आप लोगों का आ रहा है वो आ जाएगा 4.56। ठीक है ना? हाँ सर 4.57 आ रहा है। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया। सेकंड आंसर में देख लो क्या लिखा है। सेकंड आंसर में उसने लिखा द एरिया ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड PQ। तो ये तो नीचे वाला 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा ना सेकंड का? नहीं सर 2.28 आ रहा है। अरे इसने लिखा एरिया ऑफ द डिजाइंड सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड PQ। तो PQ कॉर्ड जो सेगमेंट बना रही है सर्कल का, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अच्छा अच्छा सेगमेंट निकालना पड़ेगा सर। सेगमेंट का निकालना पड़ेगा। सेगमेंट का क्या होगा? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ये 2√2 है, ये भी 2√2 है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? सेक्टर का एरिया आ जाएगा 5/4 आर स्क्वायर। तो वो आ जाएगा 2π माइनस ट्राइंगल आ जाएगा 8 इंटू 2 इंटू हाफ। सही है ना? तो 4 आ जाएगा। 2π माइनस 4 आ जाएगा। चेक कर लो आप। यस सर 2.28। हाँ सर 2. यस सर। अब थर्ड देख लो आप। थर्ड में क्या जाएगा आपके पास? द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंड एट द रेट ऑफ रुपीज 4.20। तो बेटा इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। ये है तो उसके बाद आंसर तो 28.8 आएगा। 8 आएगा नहीं 4.56 इनटू 4.2 ये तो कुछ 20 के आसपास आएगा। 19.152 रुपीज आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। सर मैंने तो मतलब मेरा ना पहले वाले का 32/7 है और दूसरे का 16/7 है, तो मैंने उनको उसमें ही रहने दिया। फिर ये टोटल डिजाइन का जो आया ना तो उसमें मेरा आंसर 28.8 आ रहा है सर। कैसे 28.8 आ रहा है बताओ? इसका तुमने कन्वर्ट नहीं किया, इसको तुमने रहने दिया किस फॉर्म में? फर्स्ट वाले का मेरा है 32/7। ओके सही है। सेकंड वाले का है 16/7। कॉस्ट नहीं नहीं डिजाइन तो पहली वाली डिजाइन है ना, वो तो दूसरा तो उसका पार्ट ही है डिजाइन का। अच्छा अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। हमने गलत कर दिया यहाँ पे। हमने जो कॉस्टिंग निकाला वो तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करके ही निकाला। टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना भाई। हमने तो डिजाइन वन और डिजाइन टू का निकालना है दोनों का मिला के। तो डिजाइन वन प्लस डिजाइन टू बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। जो पहला 19.152 वो पहले का है और दूसरे का आ जाएगा 2.28 इंटू 4 9.12 रुपीज इधर से भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपका आंसर जो फाइनल बनेगा वो 28.2 बन रहा है। ठीक है ना? 27 रुपीज। यस ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है यस सर। सर 28.8 आएगा शायद। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो आप लोग ना। ये मेथड है, ऐसे कर ले आप। नेक्स्ट देखो फटाफट। 10th वाला हो गया ना आपसे क्लासरूम क्वेश्चन है। हां सर। हां सर। फ्लोरल डिजाइन। चलिए 11 हो गया, 10 ही है भाई। ड्रिल 1 में आ जाते हैं अभी।
ड्रिल वन में क्वेश्चन नंबर वन टू यस बेटा टेल मी सर टेंथ वाला एक बार बता टेंथ तो हमारा क्लासरूम का क्वेश्चन नहीं है क्या सर सर मैंने बुक खोल के देखा सर पर मैंने जो किया वो भी बराबर आ रहा है पर आंसर अलग आ रहा है सर मेरा मतलब डिफरेंट आंसर आ रहा है 300 बाय 7 मतलब द शेडेड रीजन सेमी सर्कल है सारे के सारे ऐसा ठीक है थोड़ा सा आंसर क्या आ रहा है 1 मिनट सर हां आंसर क्या आ रहा है सर मेरा 43 आ रहा है सर मेरा 300 बाय 7 आ रहा है 57.14 हां सर 57 ठीक है देख लेते हैं ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है ठीक है ना ओके ये डिजाइन आपका बनाया हुआ है अब मुझे एक चीज बताओ इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें क्या ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया आ जाएगा आपके पास यस देखो जैसे ये सर्कल यहाँ पे क्रॉस करेगा इसको ओके तो मैं बोल सकता हूं इसका एरिया निकाल सकते हैं ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये और ये फिर ये वाला एरिया तो टोटल आपको अच्छा हमने जो क्लास में किया वो तो अंदर वाला होता था अभी हमें बाहर का निकालना है ना हाँ सर तो वो तो 100 में से माइनस करेंगे जो आएगा जो 57 है ना उसको एक्चुअली 100 में से माइनस करना पड़ेगा बिल्कुल 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 आपका टोटल एरिया आ जाएगा 100 टोटल एरिया आ जाएगा 100 ठीक है अब टोटल एरिया आपके पास 100 आ गया ये आपका एरिया कैसे आएगा देखो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक फिर आप ये वाला ड्रॉप कर दो एक तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका साइड 10 था तो ये 5 हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा आपके पास 25/2 आ जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल ट्रायंगल बेटा तो इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 25/2 ये अगर मैं बात करूं रीजन की ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये पूरा क्या है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है 90 डिग्री बना रहा है क्वाड्रेंट है तो इसका एरिया कितना होगा 1/4 ऑफ सर्कल का रेडियस है 5 पाई इनटू 25 तो जो एक फ्लोरल का डिजाइन आएगा एक फ्लोरल का जो पार्ट आएगा वो आएगा 25π/4 -25/2 25/2 कॉमन आ जाएगा π/2 -1 आ जाएगा ठीक है ना इज इट क्लियर तो 3.14 अच्छा ऐसे कितने फ्लोरल्स हैं आपके पास 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनटू 8 कर दें आप तो 25 × 4 π/2 -1 अब कर लोगे मेरे हिसाब से 100 × 22/7 -1 तो 100 × 15/7 तो ये एरिया फ्लोरल का है आपको जो रिमेनिंग एरिया चाहिए वो 100 − 100 × π/2 -1 है आपके पास 100 − 100 × 4/7 तो आपका जाएगा 100 × 3/7 रिक्वायर्ड एरिया हाँ तो सर वो 42.8 मेरा ऐसा आ रहा है तो बराबर है ना 300/7 ठीक है हाँ वो अप्रॉक्स 43 आ रहा है 42.85 आ रहा है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट आगे देख ले क्या इलेवन okay, अच्छा ड्रिल वन में आ जाते हैं चलो ड्रिल वन में क्वेश्चन नंबर वन अच्छा ड्रिल वन के आंसर्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री सर थर्ड डाउट थर्ड थर्ड वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रिल वन का थर्ड थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया देखो आपको द सम ऑफ टू रेडियाई द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज दिस ओके कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 84 दिया है
and the difference of the areas. So pi r square minus pi r square is double phi double four. बस बट टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लोगे ना दो इक्वेशन है आपके पास अरे सर सर रहने दो सर मत सॉल्व करो सर मैंने 554 लिख दिया सर लास्ट फोर देखा ही नहीं मैंने हाँ आ जाएगा ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स सर फिफ्थ फिफ्थ वाले में सर सर फिफ्थ वाले में कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है सर हाँ सर कितनी गलत टू सर्कल्स टच इंटरनली अच्छा इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को ठीक है तो ये कोई होगा पॉइंट और ये होगा कोई पॉइंट ओके नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 द सम ऑफ द एरियाज इज अच्छा मिसिंग है डेटा छोड़ जाना बस सम ऑफ एरियाज दिया हुआ ही नहीं है कुछ ओके नेक्स्ट सिक्स्थ वन अगर दिया होता तो कैसे करते हैं क्या दिया हुआ है आंसर बोलो क्या दिया हुआ है निकाल लेंगे अपन एरिया दिया होता क्या दिया हुआ है आंसर क्या दिया रेडियस 11 and 7 आपको दिया है तो सम ऑफ द एरियाज कितना हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही होगा ना तो मान लेते हैं 121 प्लस 49 दिया है तो कितना हो जाएगा 130 और 40 170 पाई हो जाएगा सही है यस और नो हाँ सर यस सर नवदा क्या डाउट है बेटा सर फिफ्थ वाला फिर से समझा दो नहीं समझ में आया फिफ्थ वाला हम लोग अभी खुद ही क्वेश्चन नहीं जानते हम तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं अभी तो इसलिए सर वो नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन में हमने आंसर दिया हुआ है आंसर में क्या रेडियस दिया है आपके कितना दिया है रेडियस है सर डिस्टेंस ये दोनों के बीच की मैंने आंसर पूछा मैं आंसर में है ना उसने रेडियस दिया होगा रेडियस आंसर में सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वो लिखा है हमने देखो 11 और 7 लिखा है तो सम ऑफ एरियाज हमें पता नहीं है तो आंसर से हम एक बार डेटा तो कंप्लीट कर लें तो सम ऑफ एरियाज कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर ठीक है ना तो वो हमें पता चल गया 170 पाई है ठीक है तो अब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि हमें सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है 170 पाई and distance between the centers is 4 ठीक है अब समझ गए आप हां सर ओके ओके अब देखो तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 4 देने का मतलब क्या है भाई ये कैपिटल r होता और ये छोटा r होता तो r माइनस r कितना हो गया 4 हो गया आपके पास और ये 170 देने का क्या मतलब है कि पाई कैपिटल r स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर ये है पाई पाई कट गया तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आपके पास 170 दिया हुआ है डू यू अग्री अब ये 8th ग्रेड का क्वेश्चन हो गया कर लोगे हाँ सर हो जाएगा ना देखो तुम लोगों से उम्मीद है मुझे बहुत ज्यादा है इसके बाद तो हो जाना चाहिए आपसे ठीक है ना ठीक है अच्छा कभी कभी क्या होता है मैं एक चीज और बताऊँ आपको जब बहुत बार ना बच्चे डाउट पूछते हैं डाउट ग्रुप में 10th में तो मैं क्या करता हूँ पता है आप लोगों का क्वेश्चन 8th और 9th में फॉरवर्ड करता हूँ और वहां से सोल्यूशन आता है और मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ देखना कभी भी हैंडराइटिंग अगर ये ब्लैक ब्लैक जो ये दिख रहा है स्क्रीन इसमें आंसर नहीं है तो समझ जाना कि 8th 9th वाले बच्चे ने भेजा है सर लेकिन आज तक वैसा कोई भेजा नहीं ना ग्रुप में हां सर नहीं आया हां सर आज तक एक भी बार नहीं आया सर अब लगता है मुझे टैग करना पड़ेगा भूल गए आप लोग टैग करना पड़ेगा हां सर दिखा दो नहीं आया सर एक बार तुम स्क्रॉल करके खुद देख लो ठीक है ना सर ब्लैक स्क्रीन में निकल जाता है क्या तो फिर हमारे में से कोई चलो जल्दी जल्दी आ जाओ आयुष चले आगे ओके लिखो नेक्स्ट 6th 7th 8th 9th देखो हर ग्रेड में ऐसा होता है 12th वालों के डाउट्स 11th वाले ही करते हैं ठीक है ना क्योंकि हमारे यहाँ पे होता क्या एक ग्रेड पहले पढ़ाई करा दी जाती है दूसरे ग्रेड से तो जो ये एरिया वाला हम कर रहे हैं अभी ये एक्चुअली हम 9th में भी कर चुके हैं इसमें कुछ साल नया नहीं था बट हमने पूरा फिर से पढ़ाई ठीक है तो एरिया वाला सेगमेंट सेक्टर ये सारा 9th में पढ़ चुके हुआ बट स्टिल वी हैव अगेन स्टडीड पूरा 0 से 10th में फिर से हम इसको डिस्कस कर ही रहे अगर ये 9th के बच्चे को भेजा जाएगा तो वो कर ही लेगा ठीक है चलिए 8th 9th सर 8th से डाउट है बेटा एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज दिस मच एंड दिस मच
ओके रिस्पेक्टिवली. सो डिफरेंस ऑफ एरिया कर लोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा. यस बेटा दोनों के एरिया के डिफरेंस एक इक्वेशन बना लोगे. पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर. यस सर. और पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. है ना? इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व कर लोगे, आर वन आर टू निकाल लोगे. यस सर. ओके नेक्स्ट. नाइन टेन इसने एथ वाला पूछा ना सर. एथ? यस बेटा. सर तो एथ वाले में ये क्या है? वो तो दो के एरिया दिए हैं तो दोनों के रेडियस निकाल लेंगे दोनों के एरिया से, और फिर रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विद ऑफ ट्रैक आ जाएगा. बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं आप. यहाँ से आप ऐसे भी लॉजिकली लगा सकते हो, आर वन माइनस आर टू, आर वन प्लस आर टू. ठीक है, एक यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा, फिर यहाँ से आपके पास क्या जाएगा. बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है ना. यहीं से कर लो बेटा. अब्बास जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहा है, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा. पाई आर वन स्क्वायर मालूम है आपको, आप डायरेक्टली उधर से आर वन ही निकाल लो और उधर से आर टू निकाल लो. ठीक है, वैसे कर लो. अब्बास तुम सही बता रहे हो. ठीक है. ओके ओके. नेक्स्ट. नाइन टेन इलेवन. एक्सक्यूज मी सर, सर ये टेंथ वाले में सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रही थी सर. इन द गिवन फिगर द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 808.5, द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर इज दिस मच. अच्छा आउटर का सर्कमफेरेंस दिया 242. अब इसने क्या बोल दिया, द एरिया ऑफ एनक्लोज्ड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज बिटवीन टू, तो पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर मेरे पास दिया हुआ है कितना 808.5. सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल इज 242, सो 2 पाई आर वन इज 242. ओके तो यहाँ से आर वन निकाल लेंगे फिर पुट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है ऐसा बोल रहे हो. तो पाई आर वन कितना आ रहा है मेरे पास, पाई आर वन का वैल्यू आ रहा है 121. ओके तो आर वन कितना आ रहा है, 121 अपॉन पाई आ रहा है. पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है, पाई इंटू 121 बाय पाई इंटू 121 बाय पाई माइनस पाई आर स्क्वायर इज 808.5. ओके पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, एक काम कर लें आप. देखो इसको यहीं पे रहने दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. तो कितना बन रहा है, पाई इंटू 121 बाय पाई 121 by pi minus 808.5 is pi r square. अब 808.5 ये भी फैक्टर होगा 11 का, और इन सब का चेक कर लो, चीजें कट जाएंगी. नहीं कट रही है क्या सर? मेरा तो कुछ आंसर 65,000 minus 11,000 ऐसा कुछ आ रहा था सर. मतलब आंसर तो आ गया पर बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा था. नहीं यहाँ तो लग नहीं रहा है, 22 by 7 है. और ये आ रहा है 808.5 अपॉन पाई. तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये आ जाएगा 11 2 11 2 11. तो ये बन रहा है आपके पास 77 बाय 2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है. माइनस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 808.5 को 22 से डिवाइड करें कितना आ रहा है, 147 by 4 आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन बन रहा है. I think इतना तो हो जाएगा, 77 का स्क्वायर माइनस 147 into 7 by 4. कर लोगे ना दादा? Yes sir. Next. 11, 12, 13, 14, 15, 13. 13. The table, the shape of the top of the table of the restaurant is this. Okay, BOD 90 है, BOD 60 है, radius होगा. ठीक है, area निकालना है. Area नहीं निकल रहा है क्या? 3/4 of circle. Sir, 11th वाला हो रहा? कौन सा कर रहे हो? 13 बोल रहे हो ना? 13. 13. 3/4 of circle. 13 पे क्या problem आ रहा है?
सर उनका तो मतलब प्रॉपर नंबर आ रहा है सर, मेरा तो अपॉन 7 आ रहा है नीचे। अच्छा 22 बाय 7 इनटू 60 इनटू 60, बस इसको सिंपलीफाई कर लो आ जाएगा आई थिंक सो, जो भी आ रहा है। उन्होंने 3.14 शायद लिया होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लिखा हुआ है 3.14। हां सर, हां सर 3.14 लिखा हुआ है ना, वही लेंगे तो आ जाएगा। हां आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। सर 11th वाला का एक बार डायग्राम बना दो। 11th वाला क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे यार एक सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा 11 ना, सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा ना। बाहर 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 ऐसा फिगर बनेगा जो ये 11th है। 12th वाला बोल रहा है ऐसा। अरे सर मैंने तो अंदर सर्कल बना दिया सर, तो भी मेरा आंसर आ गया। 11th इंस्क्राइब्ड वाला सेकंड, सो 12th है वो। 12th है बेटा, आपने जो किया वो 12th है। सर्कल है एक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा क्या क्या दिया है उसने हमको, क्या दिया 11th में? एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15। ओके भाई साइड 15 है, जॉइन कर लेते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? ये आर है, ये आर है, ये आर है। ओके और कितना है? 15 है ये। अच्छा तो ये एरिया कितना हो जाएगा? ये है पूरा 15 आपके पास, ये भी है पूरा 15 और ये भी है 15। अच्छा इसका एरिया कितना होगा आपके पास? एरिया हो जाएगा 3 ट्राइंगल का और तीनों एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो नेट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है पूरा? रूट ऑफ 3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ओके और अगर हम इसको सर्कल की मदद से निकालने की कोशिश करें, सर्कल की हेल्प से कैसे निकलेगा? ये रेडियस है, ये मान लेते हैं आपका 7.5 आ जाएगा, तो 15/2 तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा रेडियस हम ऐसे ही निकाल ले क्या, ज्योमेट्री से निकाल लूं? देखो अगर आपने इसको 30 डिग्री मान लिया, ये कितना होगा? 30 होगा आपका, ये भी 30 होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे आप, हाइट आ जाएगा क्या? लगा ले 10-30 लगा दे क्या? अपोजिट इज हाइट अपॉन बेस इज 15/2, तो 10 ऑफ 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/2√3 ये आपका हाइट आ जाएगा। तो आपको हाइट मालूम पड़ गया और पूरा हाइट कितना होगा? ये वाला, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्रीज। साइन 60 कितना हो जाएगा? अपोजिट इज आर प्लस एच अपॉन 15, तो 15 इधर आ जाएगा, तो 15√3/2 इज आर प्लस एच, आपका रेडियस आ जाएगा 15√3/2 माइनस 15/2√3। 15/2 कॉमन निकाल लो, रूट थ्री माइनस 1/√3, 15/√3 15 बाय रूट थ्री कितना जाएगा? उसी में 30 डिग्री इस ट्राइंगल में, तो ये मिलता आपको
नहीं सर, हमने तो हमने हाइट तो निकाल दी थी ना, तो भी कॉस 30 लगा देते तो रेडियस निकल जाता ना। हाँ अरे वैसे कर लो, कोई बात नहीं आप, लेकिन ऐसा भी करोगे तो भी आ जाएगा, वैसे करो वो भी आ जाएगा। यस सर, लेकिन दो बार निकालना पड़ा, दोनों को फिर सबट्रैक्ट करना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री दो बार लगाना पड़ेगा ना आप एक। अरे सर ऐसे नहीं, नहीं 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 सर ऐसे नहीं, हम लोग क्या कर सकते थे, ये अपना ये अपने जो ये cos 30 लगाना है तो ये adjacent जो है वो 15/2 हो जाएगा ना सर, equilateral triangle है, तो सीधा cos 30 से आ रहा जाता 5√3। ठीक है वैसे भी लगा लेते आप तो भी आपका आ जाता, एक बार में आ जाता, ठीक है ना भाई, बट इसमें डाउट का कोई कंसर्न नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अरे सर सर इसमें मैंने सर्कल अंदर बनाया सर, तो भी मेरा रेडियस तो 5√3 आ रहा है सर, आंसर भी करेक्ट आ रहा है सर। अंदर बनाया आपने तो? हाँ सर, मतलब गलती से अंदर बना के सॉल्व कर दिया तो आंसर तो आ गया मेरा सर। नहीं अंदर बनाएंगे तो अलग हो जाएगा ना केस पूरा, ये आपका मान लो ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर आपने यहाँ सर्कल बना दिया तो ये रेडियस आपका हो गया, फिर इसके तीन एरिया इक्वेट कर दें आप, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ बराबर हो जाएगी सबकी सबके लिए, तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ओके अब भी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो आप, 30 डिग्रीज होगा तो आपके पास हाइट आ जाएगी, कर लोगे ना, ये रेडियस होगा आपका। ओके यस सर, तो मतलब ये मतलब क्वेश्चन ऐसा है या फिर ये लिख लें आप 3 × (1.5) बेस 15 और आपका हाइट आ जाएगा रेडियस के बराबर, है ना। यस सर, 15 से 15 कट जाएगा, फिर √3/4 × 15 = √3/2 × r, सही है ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, 2 × 1 = 2 आ रहा है और 3 × 1 = 5 आ रहा है, रेडियस आ रहा है आपका 5√3/2। हाँ ओके ओके सर। ओके चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, 14 हो गया, 15 हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक है। डिटेल वन आपका कंप्लीट हो गया। सर 14, 15। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 14th क्वेश्चन में लिखा है। नहीं सर। गिवन फिगर एबीसीडी। वो तो क्या, लेकिन डाउट है कि वो सर्कल के अंदर जो स्क्वायर होगा उसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ही क्यों होगा बेटा। ये तो आपको 8th में बताया जाता है, 9th में बताते हैं क्यों होता है, क्योंकि जब आप 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे फिगर है आपका, ये अगर पॉइंट्स है ठीक है ना, तो पहली बात तो डायगोनल एक पॉइंट पे मिलेंगे है ना, ये तो मानते हो स्क्वायर के डायगोनल एक ही पॉइंट पे मिलेंगे है ना। यस सर। अब ये पॉइंट सर्कल का सेंटर इसलिए होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। फॉर दिस टू बी 90 डिग्री इसको डायमीटर होना पड़ेगा, फॉर दिस टू बी 90 इसको डायमीटर होना पड़ेगा, तो डायमीटर तो सेंटर पे मिलेगा ठीक है। चले आगे। यस सर। बढ़िया गुड। 15 or 15 में कोई डाउट? नो सर। बढ़िया आगे ड्रिल टू में आ जाओ। ड्रिल टू क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर। 1 में क्या लिखा है? ट्रेपीजियम माइनस क्वाड्रेंट नहीं हो रहा है क्या सर? 7.98 आ रहा है। हाँ 7.98 आंसर आ रहा है बट पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, मतलब मास्टर तुम लोग यार कर लो। नेक्स्ट सेकंड 7.98 कर दे। सेकंड डाउट है सर। सेकंड डाउट
सेकंड वन में बेटा हाइपोटेनस निकाल लोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर, क्लियर 20 दिख रहा है, अगर हाइपोटेनस निकाल लिया रेडियस 10 आ जाएगा, सर्कल माइनस ट्रायंगल कर लोगे, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल है ना सर, किया बट आंसर नहीं आ रहा मेरा सर, क्या रहा है तुम्हारा आंसर क्या रहा सर, मेरा तो मतलब ये 22,200 अपन 7 माइनस 96 आ रहा था, तो मतलब वो रफली किया था तो उसका आंसर नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया, आई बाय 2 इनटू 10 स्क्वायर हो जाएगा पहले तो सेमी सर्कल का एरिया, क्योंकि वो 20 आ जाएगा तो रेडियस 10 आ जाएगा है ना, यस सर, यस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ 12 इनटू 16 हो जाएगा, सही है, यस सर, अब मेरे हिसाब से इसके बाद अब तो आ जाएगा तुम्हारा, देखो अब 100 पाई माइनस 16 इनटू 2 12 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 192 हो जाएगा, इनटू हाफ बार है ठीक है ना, तो 314 माइनस 192 तो 122 इनटू हाफ 61 आ जाएगा ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड, तो थर्ड वाले में भी आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या रहा हृदय आंसर क्या रहा आपका थर्ड का, 75.36 सब पे यही आ रहा है सर, मेरा तो आ गया मैच हो गया आंसर सर, अच्छा हो गया भाई, किस किस का मैच नहीं कर रहा है थर्ड में, मेरा सर, अब हम ग्रुप में डाल दो एक बार ठीक है, हृदय तुम चेक कर लो, ओके ओके सर, ओके सर, फोर्थ वन, फोर्थ, फोर्थ भी नहीं कर रहा सर, फोर्थ भी नहीं कर रहा है, आयुष का क्या स्टेटस है, आयुष हो गया तुम्हारा फोर्थ, हाँ सर मैं डाल दो ग्रुप में, देखो फटाफट डालो फोर्थ, फिफ्थ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिफ्थ सिक्स्थ नहीं अब तो हो रहा है सर सब, ओके 7 8 9, अरे सर फोर्थ में ये पेरिमीटर में कंफ्यूजन था, मतलब कैसे फाइंड करेंगे पेरिमीटर फोर्थ वाले को, फाइंड द पेरिमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो बेटा पेरिमीटर क्या हो जाएगा, जो रीजन शेडेड है उसको ट्रेस करना है आपको सर, मतलब बीच से जो 2 सेंटीमीटर का सर्कल कट है वो भी इंक्लूड होगा, बिल्कुल जितना भी एरिया आपको दिख रहा है जिसको आपने कवर करना है, वो कवर कब होगा, एरिया बंद कब होगा, जब चार क्वाड्रेंट को कवर करोगे, मतलब एक सर्कल बाहर वाला आएगा और एक अंदर का सर्कल आ जाएगा, दो सर्कल आएंगे, ओके, और क्या क्या आ जाएगा देखो, और भी बताऊं मैं आपको, और ये साइड भी आ जाएगी आपके पास, जो छोटी छोटी साइड है ना, ये वाली दिख रही है, टेंथ वाला ऑफ द रनिंग ट्रैक विद द सेमी सर्कुलर एंड्स, ठीक है सेमी सर्कुलर एंड दिया हुआ है आपको, एंड स्ट्रेट पैरेलल लाइंस इज 312 मीटर्स, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज 90 इफ द ट्रैक ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द दिस, ओके ठीक है ना, तो इनर माइनस आउटर माइनस इनर कर दोगे ना सर, वो तो पता है सर, मतलब हां मुझे इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए था, सब मिलेगा आपको, पूरी जानकारी दी जाएगी, दे रहे हैं पूरी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया, इन द एडजॉइनिंग फिगर द इनसाइड पेरिमीटर ऑफ द रनिंग ट्रैक विद सेमी सर्कुलर एंड्स एंड द स्ट्रेट पैरेलल साइड्स इज 312, अब अगर इनर पेरिमीटर की वो बात कर रहा है तो इनर पेरिमीटर क्या बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक लेंथ, ये आ जाएगा लेंथ, और ये आ जाएगा 2πr पूरा मिला के, इसका πr और इसका πr, तो 12 प्लस 2πr उसने मुझे दे दिया है 312, अब उसने क्या बोला है, नाउ अब L 90 आपके पास, तो 12 हो जाएगा 180 प्लस 2πr आपके पास हो जाएगा 312, इनसाइड की बात हो रही है ना, सारा इनसाइड में इसने दिया है, तो 2πr आपके पास हो जाएगा 132, ओके तो आई थिंक यहाँ से r निकल आएगा, तो एक काम आपका हो गया, नेक्स्ट उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ दिस इज 90, ओके इफ द ट्रैक हैज अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर थ्रू आउट, तो उसकी विड्थ 2 मीटर है थ्रू आउट, ओके तो बाहर वाला जो है वो तो 90 ही रहेगा, ये भी 90 रहेगा, अब रेडियस 2 से बढ़ गया ना इसका, पहले जो रेडियस आपको निकला था, मान लो यहाँ से रेडियस आपका कितना रहा है, वो भी निकाल ही लेते हैं भाई,
सेवन आ जाएगा यहाँ से, तो क्लियर दिख रहा है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, सॉरी टू बढ़ाना है तो नाइन हो जाएगा, यस। और अगर नाइन आपके पास रेडियस आ गया है तो क्या आप अब एरिया ऑफ द पोर्शन निकाल लोगे? यस सर, यस सर। नाउ द ये एरिया रेक्टेंगल है छोटा वाला, 19 टू 2 180 आ जाएगा, और ये एरिया ऑफ सर्कल है आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो एरिया ऑफ ट्रैक आपके पास आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या बच गया सर? 11th में तो पूरा ही शेडेड है, क्या निकालना है मतलब? अच्छा हाँ, तो ये पूरा ही निकालना है, पूरा ही निकालना है, चार सर्कल एक स्क्वायर माइनस एक सर्कल कर दे रहे, ठीक है ना? हाँ 12 आ गया सर, आ गया ओके बेटा, 12th वन 12th भी हो गया आपसे? यस सर 12th हो गया। हाँ हो गया सर, बढ़िया। आई थिंक आज की क्लास को इधर ही कंक्लूड किया जाए, एमसीक्यू से नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, देखो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे सॉल्विंग करके, नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय सर, थैंक यू।